Hey everyone, this is me, Thoughtpot Arts, और आज मैं बनाने वाली हूँ Yes, छोटा भीम but in my style. So let's go. आप में से बहुत लोगों ने छोटा भीम देखा होगा और जिन लोगों ने छोटा भीम नहीं देखा है तो मैं बताती हूँ, ये इंडियन एनिमेटेड सीरीज है जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है एंड ये बहुत फेमस है। इसे बनाता है ग्रीन कोल्ड एनिमेशन स्टूडियोज जो कि है हैदराबाद में। ये सीरीज पहले 2D में आई, देन इसकी मूवीज भी बनी, देन ये 3D में आई, उसकी भी मूवीज बनी, देन इसके कैरेक्टर्स की सीरीज भी बनी एंड अब फाइनली ये लाइव एक्शन में आ रही है। तो अगर आपने अभी तक उसका ट्रेलर नहीं देखा है तो जाओ देखो। तो मैंने सोचा कि छोटा भीम 2D में आ रहा है, 3D में आ चुका है, लाइव एक्शन में भी अब आ रहा है, तो क्यों नहीं मैं इसको अपने स्टाइल में भी रीइन्वेंट करूं। तो बस आई डिसाइडेड कि मैं छोटा भीम को अपने स्टाइल में बनाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो के साथ। सबसे पहले हम करते थे अपना सेटअप तैयार क्योंकि मैं इसको बनाने वाली हूँ डिजिटली। तो फर्स्ट स्टेप इज स्केचिंग। तो स्केच मेरा ऑलरेडी रेडी है। पहले मैंने उसको जैसा छोटा भीम दिखता है उसी प्रोपोर्शंस में मैंने बनाया, बट देन मैंने कहा नहीं, ये मज़ा नहीं आ रहा, ये बहुत ही मतलब मोनोटोनस स्टाइल लग रहा है। तो मैंने उसको कर दिया चेंज, इसके प्रोपोर्शंस कर दिए चेंज एंड देन उसको किया स्केच। तो ये है हमारा स्केच, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कूल और बहुत ही डिफरेंट लुकिंग छोटा भीम है। तो अभी छोटा भीम तो नहीं लग रहा बट हाँ भीम ज़रूर लग रहा है। तो चलिए नाउ इट्स टाइम टू इंक। इंकिंग के लिए मैं अपना रेगुलर ब्रश नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं एक डिफरेंट ब्रश यूज़ कर रही हूँ जिसकी लाइंस बहुत ही डिस्टॉर्टेड हैं। मैंने सोचा कि ये वाला यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा टेक्सचर आ रहा है, बहुत अच्छी लुक आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको या आपके किसी कैरेक्टर को या किसी को भी री इमेजिन करके रिक्रिएट करूँ, उसे कलरफुल डूडल स्टाइल में बनाऊँ, तो नीचे कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच पाऊँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो के साथ। तो करते हैं हमारी इंकिंग फिनिश। तो ये हो गई हमारी इंकिंग। अब है लास्ट एंड फाइनल स्टेप का, जिसे कहते हैं कलरिंग। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कोई कैरेक्टर ही इमेजिन करूं, तो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट कीजिए। उसके अलावा मैं जल्दी अपने मर्च रिलीज करने वाली हूँ, तो स्टे अपडेटेड, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज वहाँ मैं सारे अपडेट्स शेयर करूँगी। मिलते हैं एंड में।
तो ये थी मेरी री इमेजिन छोटा भीम वर्जन इन माय डूडल स्टाइल। कैसा लगा? बहुत ही कूल और बहुत ही डिफरेंट लुक आ रही है छोटा भीम के। मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया। एंड हाँ, मूवी रिलीज़ हो रही है तो ज़रूर देखिए। मैं कुछ स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, क्योंकि मैंने एक कैरेक्टर बनाया तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस आर्टवर्क को देख सकें। एंड हाँ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।